हमीरपुर जिला के बमसन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के ककड़यार गांव की दो सहारा बेटियों की जान खतरे में देखकर बिटिया फाउंडेशन की प्रदेशा अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने मानसिक रूप से अक्षम बेटियों के लिए आवाज उठाई है। बिटिया फाउंडेशन ने बेसहारा बच्चियों को प्रशासन की अनुमति से अपने संरक्षण में लिया है। हमीरपुर जिला के बमसन विधानसभा चुनाव क्षेत्र कडियार गांव की दो बेसहारा बेटियों की जान खतरे में देखकर बिटिया फाउंडेशन की प्रदेशा अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने उनके लिए आवाज उठाई है। 25 मार्च को बिटिया फाउंडेशन ने हमीरपुर के एक गांव कडियार में विशेष जागरूकता अभियान चलाया था। इस दौरान शिविर को संबोधित कर रही फाउंडेशन की प्रदेशा अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने वहाँ पाया कि दो बेसहारा व मानसिक अक्षम बेटियां खाना मांगती है और बिखलाती हुई लोगों के बीच जा रही है, परंतु उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा वाक्या देखते हुए सीमा सांख्या ने अभियान को बंद कर सर्वप्रथम उन बेटियों के बारे में पूछा तो पाया कि वे बेटियां छोटी सी उम्र से ही बेसहारा और मानसिक रूप से अक्षम है। इन बच्चियों का पिता भी मानसिक रूप से परेशान है। ये दोनों बहनें एक पशुशाला में रहती हैं। ये दोनों सगी बहनें खाना खाने के लिए भी मोहताज है। अगर कोई इन्हें खाना देता है तो वे खा लेती है, अन्यथा कई दिनों तक बिना खाए पिए रहती हैं। इस सारे मामले को देखते हुए सीमा सांख्यान ने तत्कालीन हमीरपुर प्रशासन की मदद से इन बेटियों को अपने साथ ले जाने के दस्तावेज तैयार किए और अपने साथ बिलासपुर ले आई। सांख्यान ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इन बेटियों के लिए कोई ना कोई प्रबंध किया जाए ताकि ये अपना भविष्य बना सके। जिला हमीरपुर के ककड़ियार गांव में गए, हमारा जाना हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें सूचना मिली कि दो ऐसी बेटियाँ जो कि एक जानवर से बेहतर अपनी ज़िंदगी बिता रही है आज की डेट में भी, जबकि आज सरकार ने इतनी सारी जो है वो योजनाएं चलाई हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। सबसे खासकर कोई हैरानी की बात है कि दो ऐसी बेटियाँ जो कि मंदबुद्धि हैं, जिनको कुछ ना तो खाने का ना बोलने का पता चलता है, उनको ना तो बचपन से स्कूल भेजा गया और ऊपर से ना तो उनको खाना मिलता है ना उनको नहाना मिलता है, और जिन घरों में वो रहती थी, जिन कमरों में वो रहती है, उन कमरों में वहीं पे सो रही है, वहीं पे खा रही है, और वहीं पे टॉयलेट, वहीं पे बाथरूम, सब कुछ वहीं पे कर रही है। तो आज हैरानी की बात है कि कोई भी वहाँ का ना तो प्रधान ना गाँव का कोई और सदस्य इनकी सहायता के लिए आ गया, ना कभी प्रशासन ने इनकी तरफ गौर करा कि ऐसी बच्चियां हैं तो उनको क्या करना चाहिए। जैसे ही बिटिया फाउंडेशन को इस चीज़ के बारे में, इन बेटियों के बारे में पता चला, हम सभी लोग वहां पे पहुंचे और इनके बारे में जानकारी हासिल करी, और उसके बाद एसपी हमीरपुर को हमने फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बेटियां हैं। और सुनने में तो बहुत कुछ आया इन बच्चियों के साथ, क्योंकि इनको खाना, जब भूख लगती थी तो खाना देने के लालच में कि इनके साथ बहुत गलत। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।